इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि आप इंग्लिश जानते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे, मोबाइल डाटा एक्सपायर हो गया, मोबाइल हमें रिचार्ज करना है। और मजे की बात तो यह है कि आप इंग्लिश में 1.5 लाख से भी ज्यादा वर्ड्स जानते हैं जो आप हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई आपके घर आए तो आप बोलेंगी कि फ्रिज से आइस निकाल के जूस के साथ मिक्स करके गेस्ट को सर्व करो। अगर वो जो गेस्ट आया हुआ है उसे हिंदी ना आए तो भी वो जूस के लिए वेट करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो भी आपने गेस्ट फ्रिज जूस आइस मिक्स ये सब बोला, उससे उसे यकीन है कि उसे जूस मिलने वाला है, क्योंकि आपने ज्यादातर इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल आपने किया है। आप थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, मगर मेन इश्यू ये है कि आप इंग्लिश बोल नहीं पा रहे। और एक बात यह है कि जब आप हिंदी में बात करते हैं ना, तो आप अपने बोलने के ढंग से औरों को एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। मगर जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप सोच सोच के क्या बोलूं, कैसे बोलूं, व्हाट टू टॉक, हाउ टू टॉक, इसके बारे में सोच के लोगों को आप एक इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप सही इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप इंग्लिश में अनश्योर हैं, आपकी बात में खुद को आपको विश्वास नहीं है। इस एपिसोड से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरे एपिसोड आएंगे एक के बाद एक, उसे आप 2-3 बार देखिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं और एक 50-100 वीडियोस अपलोड करूंगा, हर हफ्ते मैं अपलोड करता ही रहूंगा, और आप इसे देखिए। और जब आप ये 100 वीडियोस आप देखेंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी, एक पैसे के भी खर्च के बगैर, आप इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे। जो रूल्स मैं आपको समझाऊंगा वो ऐसे रूल्स होंगे जैसे पेड़ को पानी डालना। आप पेड़ पे पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो इट विल ग्रो। इट्स एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली अगर आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सिर्फ पानी डालने से, आपके लैंग्वेज पे पानी डालने से आपका लैंग्वेज का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में इंप्रूव होना चाहते हैं तो सिर्फ आप मेरे वीडियोस देखिए, उतना काफी है। और किसी क्लास में जाने के लिए पैसा खर्च करना, नहीं तो एफर्ट डालना, वो सब रिक्वायर्ड नहीं है। आप नॉलेज से हारे नहीं है, आपको इंग्लिश का नॉलेज है, मगर आपको इंग्लिश का वातावरण नहीं मिल रहा है, आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, और एटमॉस्फेयर के साथ आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा है। जब लोग आपसे बात करते हैं तो वो जल्दी में है, जल्दी बोलिए ऐसे बोलते हैं वो। अभी आपको क्या करना है, कामली आपको बैठ के प्रैक्टिस करना है। एवरी डे आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मैं लेके जाऊंगा, ओके? और स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे तो 100% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, देखने के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन मिलेगा। मगर सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, देखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, करेक्ट? तो ये पहला एपिसोड है मेरा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं और 50-100 एपिसोड बनाऊंगा। मगर आप 3 मिनट में आपको ये जानकारी मिल गया कि मेरा हिंदी उतना बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है। और आप जानते हैं कि जो मेरा हिंदी, मेरी हिंदी जो है ना, वो आपसे बदतर है। मगर मजे का बात यह है, मजे की बात यह है कि जो भी मैं बोल रहा हूं ना, मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। मुझे यकीन है कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको हेल्प कर रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, मेरे वर्ड्स, मेरे थॉट्स, मेरा वर्ड्स, मेरा थॉट्स, मेरा एक्सप्रेशंस, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है ये एक यूनिक मेथड में हिंदी से या मातृभाषा से इंग्लिश सिखाना, वो मैं आपके सामने आप तक पहुंचा रहा हूं, इसका मुझे यकीन है।
तो अगर मेरा हिंदी या मेरी हिंदी जो भी है अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा काम चल रहा है। मगर आप क्या कर रहे हैं, जब आप इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, यही पॉइंट आपको डर सिखा रहा है, यही पॉइंट से आप डर रहे हैं। आप बहुत सोच रहे हैं कि ओ लोग हंस रहे हैं, अरे मेरा इंग्लिश खराब है, मैं एस्केप हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी बोल जाऊंगा। ये सोचिए कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो क्या हुआ, आप इंग्लिश में जब बात करते हैं सबको समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। यू आर अटेम्प्टिंग वेरी वेल, वो प्रयास जो आप कर रहे हैं ना, वो कोशिश जो आप कर रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसको मत छोड़िए, और वही आपके लिए सीख का रास्ता है। टिल यू टॉक यू विल इंप्रूव, जब तक आप बात करेंगे तब तक आप सीखेंगे। जो हिचकिचाहट आप महसूस कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं हिंदी बोलने में, मेरे जैसे बनिए आप। नमस्कार, आप ये वीडियोस देखिए और मुफ्त में हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीखिए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।